अरे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो। खाला डॉक्टर वाला इंजेक्शन लगा ले अंकल को। देखो खाला, पहले पूरा एक इंजेक्शन पूरे दिन चलता था, अब दो दो लग रहे हैं और काम नहीं कर रहे। नींद का भी लगाना पड़ता है, इससे पहले इसका असर खत्म हो जाए डॉक्टर वाला इंजेक्शन लगवा लो। देखना है भी तो कितना महंगा, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है जो तुम लगा रहे हो, वरना इसकी भी गुंजाइश नहीं थी हमारे पास। मर गया। कैसी बातें कर रही हो खाला, मैं तो आपके बच्चों की तरह हूँ, ऐसी बात आइंदा मत करिएगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ अंकल की तकलीफ दूर हो जाएगी, लगवा लें आप जल्दी से। करवाते हैं, बहुत दर्द हो रहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा की तबीयत कैसी है? अब तुम्हारे सामने है, अब तो दिन में दो दो दर्द के टीके लगने लगे हैं और नींद का अलग। वो फजल कह रहा था कि डॉक्टर वाला टीका लगवा दो इसको, नहीं तो इनके ये जो दवाएं हैं असर करना छोड़ देंगी। अच्छा, कल करती हूँ मैं कुछ। तुम्हें तो पता है अम्मा, MRI की वजह से पहले ही मैं ऑफिस से इतना उधार ले चुकी हूँ, और अब ये 16,000 रुपए का इंजेक्शन पीछे तनख्वाह में बचेगा ही क्या? पता नहीं कैसे होगा सब। यही सब कुछ देख के खामोश हो जाती हूँ, मगर तुम्हारे अब्बू की तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। अम्मा आप परेशान तो नहीं हो ना, मैं कह रही हूँ ना मैं कल करूंगी कुछ। अच्छा, बड़ी भूख लग रही है, खाने में क्या है? हेलो जोया बेटी, तुमने दफ्तर में बात की? कुछ भी करो, कोशिश करो, कैसे भी, बस कुछ भी करो। तुम अरे अल्लाह मालिक है, गुजारा कर लेंगे किसी ना किसी तरह। तुम फिलहाल तो इनकी तकलीफ कम हो, इनको कुछ सुकून मिले, बात कर लो जरा। ठीक है, तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उसमें पैसे ट्रांसफर करवा दीजिएगा। ठीक है, 7 से 8 वर्किंग डेज में आपका कार्ड आपको मिल जाएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, तुम आज किसी को कॉल नहीं करी? क्या कॉल करूं किसी को यार, जिसे कॉल करो पैसों का रोना रोता है। यार तुम्हें 1000 दफा समझाया, पैसे कोई निकाल कर नहीं दे देता, पैसे निकलवाने पड़ते हैं। जिस तरह तुम करती हो ना, वो मुझसे नहीं होगा। तो 20,000 रुपए में गुजारो जिंदगी, रोना कैसा? देखो वैसे मेरा मानना ये कि शराफत और परेशानी रेल की पटरी की तरह ना साथ साथ चलती रहती है, और जिंदगी ना उस पर रेलगाड़ी की तरह दौड़ी होती है। तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो उस रेलगाड़ी को लड़ दो। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। देखो मैंने एक न्यूज चैनल में देखा था कि जब नवाज शरीफ के ऊपर केस हुआ था ना, तो जज ने कहा था हर कामयाब नसीब के पीछे ना कोई जुर्म जरूर छुपा हुआ होता है। तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारनी है तो थोड़ा जुर्मी सही। लेकिन Thank you.
अरे कहाँ गए, अरे कहाँ मर गए सब? कजन कजन मेरे बच्चे आके इंजेक्शन लगा दो, इनकी तबीयत बड़ी खराब हो रही है, बहुत तकलीफ है। हाँ जल्दी आ जाओ बेटा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटा, जो तुम इंजेक्शन लगा जाते हो उनको। जरा अस्पताल में मालूम करना कि अगर उसका बंदोबस्त हो जाए इंजेक्शन का तो। खाला खाला काफ़ी महंगा है वो इंजेक्शन, फिर भी मैं कोशिश करूँगा खाला। अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है। सर मे आई कम इन? सर मुझे आपसे फेवर चाहिए। सर मुझे 16,000 रुपये चाहिए, अगर एडवांस मिल जाते तो। 16,000 क्यों? जमाल सर, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। एक इंजेक्शन 16,000 रुपये का आ रहा है। आपको तो पता है कि मेरे घर पर करने वाला और कोई नहीं मेरे अलावा। देखो जोया, 16,000 मैं तुम्हें दे तो दूं, लेकिन बज गए 10 मिनट में वो आ जाएगी, चाय चढ़ा दूं। हाँ बेटा फजल, क्या हुआ? वो इंजेक्शन मिला तो अब ये दूसरा वाला कब लगाने आओगे? जब से तुम इंजेक्शन लगा के गए हो तब से सो ही रहे, मगर वो फिर उठ जाएंगे अभी। चलो ठीक है। बर्तन वॉश किया गया।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कुछ भी करो, कोशिश करो, कैसे भी, बस कुछ भी करो। खाना खाया तुमने? देखो जोया, 16,000 मैं तुम्हें दे तो दूं, लेकिन टोटल तनख्वाह तुम्हारी 20,000। 8,000 तुमने MRI के लिए ले लिए थे और अब ये 16,000, पीछे क्या बचेगा? एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी कट रही है और दोबारा तुम ये ले लोगी 16,000, तो फिर तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? खैर, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ऐसे तुम परेशान मत हो, मेरी एक जानने वाली है, वो बहुत हेल्प करती है, मैं आज ही तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान, अगर आज तुम नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता मेरा। यार इट्स ओके, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तुम्हारी लिए कर ही सकती। यार तुमने मेरी इतनी हेल्प की है। अच्छा हम एक काम करते हैं, आगे कोने से रिक्शा ले लेते हैं, साथ में ही चलते हैं, तुम भी मुझे घर ड्रॉप करती हुई। ठीक है, सही है। और बताओ। थैंक यू सो मच। चलो यार ठीक है, लाफिस, ख्याल से जाना और घर पहुंच के कॉल करना। चलो सही है। यहाँ से उल्टे हाथ भैया। किस रास्ते से जा रही है? ये रास्ते का मुझे नहीं पता है, सीधे सीधे रास्ते से चले ना। सबर करो, छोड़ देता हूँ। भैया मैं, मुझे ना यही ड्रॉप कर दें, मैंने बस यही जाना है। मैंने कहा ना, छोड़ देता हूँ। भैया एक काम करें, मुझे यही उतार दें, मैंने आगे नहीं जाना। भैया मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर रक्षा नहीं रोका ना मैं यहाँ से छलांग मार दूंगी। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? रोको रक्षा। खाना खाया तुमने?